नमस्कार दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार पूछा है नॉट सी थ्री लाइट कब इंडिया पे आएगा। तो जैसे भी इस पोस्टर पे देख सकते हैं, नॉट वालों ने मतलब वन प्लस वालों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है 4 अप्रैल वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो पे हर बार की तरह मैं बताऊंगा लॉन्च से पहले स्मार्टफोन के अंदर कोई एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो उस प्राइस पॉइंट में उसे लेना बेटर है या फिर दूसरा कोई चॉइस आपके लिए बेटर ऑप्शन है, इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटोल चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं डिजाइन तो वन प्लस वालों ने खूबी रिवील कर दिया है, टोटल दो कलर पे आएगा, एक ग्रीन और एक ग्रे। फोन का थिकनेस है 8.3 मिलीमीटर और वेट है 183 ग्राम और इसके पीछे आपको जितना मुझे लग रहा है ग्लास बॉडी आपको मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.72 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, उसके साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 680 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा HDR 10 का सर्टिफिकेशन और डिस्प्ले के प्रोटेक्शन में आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। तो मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि प्राइस पॉइंट की सब चीज का जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा वही पुराना स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर और ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है। कैमरे में आपको मिलेगा 108 2x2 का रियर कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा वो एक्चुअली सैमसंग HM6 वाला सेंसर है जो कि HM2 के मुकाबले काफ़ी बेटर काम करता है और इसके रियर कैमरे के साथ आपको EIS का ऑप्शन मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल दो वेरिएंट पे मिलेगा 6 120GB और 8 120GB, टोटल दो वेरिएंट पे आपको मिलेगा। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.2 और इसके साथ आपको मिलेगा 2+1 कार्ड स्लॉट, मतलब जिसे हम कहते हैं डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट सिस्टम आपको मिलेगा। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, 67W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद मैं इसे कुछ बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर डेफिनेटली हमें मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज किस प्राइस पर में लॉन्च होने वाला, तो देखिए मेरे सोर्स की तरफ से एकदम कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ये जो फोन इंडिया पे आएगा 20,000 से 23,000 रुपए के अंदर। और अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे कि इसके अंदर तो मालूम चला था कि स्नैपड्रैगन 782G होगा, वो कहां पर गया, सेम सवाल मैंने मेरे सोर्स को पूछा है, उसने कहा है कि वालों ने स्नैपड्रैगन 782G चूज कर लिया है तो इसलिए वन प्लस वालों ने स्नैपड्रैगन 695 इस्तेमाल किया है। बट एग्जैक्टली सेम फोन के साथ पहले हमें मालूम चला था कि स्नैपड्रैगन 782G होगा। तो अभी हार्ड वीडियो से इधर से डिस्कस करेंगे कि ये जो नॉट का नया फोन आपको 20,000 के आसपास लेना चाहिए या फिर दूसरा कोई फोन अवेलेबल है। तो देखिए इसका स्पेसिफिकेशन को देखिए चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फोन एग्जैक्टली Realme 10 Pro 5G जो कि अभी 19,000 पे अवेलेबल है उसका इंडिपेंडेंट वर्जन होने वाला है। बस दो चीज में हमें डिफरेंस मिलेगा, एक इसका जो चार्जर Realme पे आपको मिल रहा है 33W का चार्जर, इसमें आपको मिलेगा 67W का चार्जर। दूसरा कैमरा, उसमें मतलब Realme में आपको मिल रहा है 108 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, इसमें आपको मिलेगा 108 2x2 का कैमरा सेटअप। वरना दोनों फोन एग्जैक्टली सेम, वो फोन मिल रहा है 19,000 पे, ये आपको मिलेगा प्रोबेबली 21,000 के आसपास। इसलिए वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं तो 21,000 रुपए पे आज के दिन में कोई एक ब्रांड हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। और उसके साथ आज के दिन में 21,000 पे एक फोन में हमें स्नैपड्रैगन 695 मिल रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो इसलिए वीडियो के आखिर में चीज करना चाहूंगा, अगर आप कोई ऐसा फोन लेना चाहते हैं जिसका प्राइस होगा वही 21,000 के आसपास वन प्लस जैसे ब्रांड की तरफ से, तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली इस फोन को लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिनको लगता है कि 21,000 पे सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाले फोन चाहिए तो मेरे ख्याल से वन प्लस का ये जो स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको इससे बेटर फोन चाहिए तो सेम प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा Poco X5 Pro वाला स्मार्टफोन जिसमें आपको सुपर एमोलेड मतलब बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले, इससे बेटर प्रोसेसर और बाकी सब स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो मेरे ख्याल से Poco X5 Pro 21,000-22,000 रुपए पे आपके लिए इससे डेफिनेटली बेटर चॉइस होगा। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि OnePlus का ये जो फोन लॉन्च होने वाला है इसका स्पेसिफिकेशन और प्राइस देखा कैसा लगा और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या इस प्राइस पॉइंट में आप इसे लेना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा फोन आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कॉन्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।